दीवान गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। हमारा चाय पानी हो चुका था और आज है खिचड़ी मकर संक्रांति। तो आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कौन कौन आ रहा है प्रयागराज गंगा नहाने, कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम प्रयागराज वाले होके भी गंगा नहाने नहीं जा रहे हैं, सोचो। तो मेन क्या है ना, मन तो करता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके साथ जाना गंगा नहाना, लेकिन बहुत यहाँ पे है एक डॉट पुल है सवतिया बाग जिसको बोलते हैं, वहाँ से क्या बोलते हैं पैदल चलवा देते हैं, और पैदल हमें मेरे से जो है ना चलने से रहा नहीं, तो वही हम नहीं जा रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं। और हम लोग चाय पी चुके हुए थे तो हमारे मम्मी पापा दूसरे तीसरे मम्मी पापा ना तीन हो गए, ये मौसी मम्मी है। तो बस हम यहाँ पे चाय चढ़ाए हैं और मम्मी लोग जा रहे हैं, दूसरे मम्मी पापा फिर आ गए सच में आपकी मजाक नहीं कर रहे, हम उन्हें मम्मी ही बोलते हैं। तो चाय चढ़ाए हैं और ये रही मम्मी जो सब लोग जाने की तैयारी कर रही हैं। तो चाय चढ़ाए बस फटाफट से पक भी आए तो जल्दी पका ली भैया की चाय ठंडी नहीं पी क्या मम्मी नहीं पी क्या जल्दी से चाय पी लेते हैं और अभी आप लोगों को दिखाएंगे उन लोगों की बड़बड़। मेरी चाय तो ठंडी हो गई सो फिर मैं इसको फिर से अभी गर्म करूंगी। तो एक मिनट होल्ड करिए, अदरक पूछ लेती हूँ क्योंकि हाथ जो है ना फोन में है, हाथ जो है फोन में है, फोन जो है हाथ में है, क्या है यार। सो चलिए अभी हम आप लोगों को सबको दिखाते हैं और ये है मौसी जो तैयारी बनाई हुई है जाने की, संगम नहाने की है ना, बहू को अकेला छोड़ के दोनों बहू दोनों तीनों साथ में जा ले रही हैं। हैं क्यों आप बहू को अकेला छोड़ के तीनों प्लान हो जा रही है, हम जाएंगी क्या हो हरदम प्लान हो जा रही है, हम जाएंगी नहीं तो हरदम के लिए नहीं जा रही ना, लेकिन घूमने जा रही है तो बहू को छोड़ के जा रही है ना, बहू को ले ही नहीं जा रही तो कहां से जा रही है। सास क्या देख लो, सास के आगे बहू एक कहते हैं ना, सही में नहीं चलती, कितनी छोटी लग रही है, बच्ची लग रही है मेरी, गोद में बैठ गई यार आज फिर से गोद में उठा लू मैं, उठा लू मारेंगे देख ऐसी सास जो मारने के लिए तैयार है। सही कहते थे पहले सब पहले के लोग कि क्या बोलते थे कि सास बहुत मारती थी, देख लो मार पहले वाली सास, मेरी सासू में ज्यादा अच्छी है सो गाइस सब लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, कहाँ से लिए हो चौक से। सो गाइस ये देखिए सब लोग जा रहे हैं अब संगम नहाने के लिए और मेरी बातों को माइंड मत लीजिएगा, वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि मैं हंसी मजाक ज़्यादा करती हूँ, सो बस वही चल रहा था। और अभी सब लोग जा रहे हैं संगम नहाने के लिए तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये आप मास्क नहीं लगाई, मास्क लगा लो ठंडा भी नहीं लगेगा ना, कुछ नहीं दिख रोड के लाइट भी नहीं दिख रही थी, समझ ले झोला पकड़ा देखो बिटिया के तैयार कर दे, जा रही हो क्या कैसे तैयार हो गई? अच्छा और कान में ठंडी नहीं लगेगी क्या तुम्हारे? दुपट्टा ले ले उस सब बाल दो, दुपट्टा दुपट्टा दो। सो देखिए सब जा रहे हैं, राधिका दुपट्टा अपना छोड़ आई थी मामा के यहाँ, नहीं भैया के यहाँ शायद, हाँ बड़ी वाली भाभी के यहाँ छोड़ आई थी, तो वही बात हो रही थी। अब यहाँ पर सब जा रहे हैं और जो मेरी मम्मी है जिनको मैं बोल रही थी, तो यहाँ पर मजाक तो हंसी मजाक तो अपनी जगह, लेकिन ये जो मम्मी है ना जो जा रही है कैप लगाई है, इनको भी मैं मम्मी बोलती हूँ, मेरी मम्मी की फ्रेंड है तो इनको भी मैं मम्मी ही बोलती हूँ, और बहुत ही अच्छी हैं शुरू से मम्मी, और इनका जो व्यवहार था ना एकदम पक्की फ्रेंड वाला जो होता है ना वो था। तो मम्मी लोग जा चुकी हैं, जा ही रही हैं, सो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। और अभी मम्मी लोग आ चुकी हैं, सभी लोग रेस्ट कर रहे थे, फिर से मैंने मेरा कैमरा उठा लिया है और यहाँ पर बाबू की मस्ती चल रही थी। बाबू की जो गाड़ी है ना इनके पापा जब से ला के दिए हैं ना, जब से ये अंदर पूरे कमरे में इस तरीके से घुमाती रहती हैं और कैमरे में आना
जाना ही नहीं चाहती हैं, पता नहीं क्या है। और मौसी देखिए लेट कर रेस्ट कर रही हैं, तो मैंने कहा आज थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ बाबू की। लेकिन इतनी ज़्यादा नाटक कर रही थी, इतनी ज़्यादा नाटक कर रही थी, आप देख लो। पहले तो अच्छे से ही गाड़ी चला रही थी, लेकिन जब हम ब्लॉगिंग करने लगे, वीडियो बनाने लगे, तो इनके तो नक्शे के तो ठिकाने नहीं थे। सो चलिए थोड़ा सा आप लोग इनकी रियल वॉइस सुन के इंजॉय कीजिए, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। फूल है, दिखाइए, ऊपर करिए सर, यहीं खड़ी रहिएगा, यहीं खड़ी रहिए, फोटो खींचिए। सो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 4, और अभी मैं हम लोग बर्तन धुल के आए हैं और पैर सेक रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है, और मैं बात कर रही हूँ, मौसी की नजर मेरे मुंह की तरफ है कि बड़बड़ाना चालू हो गया इसका, और बिस्तर में घुसी हुई है। ये देखिए इनका सुबह से शाम तक का काम यही है, इसी अड्डे पे। क्यों मौसी है ना, तो इसी यही अड्डा जमा ली है, और अभी इनका पैर सीधा सीधा है, कुछ देर में इनका पैर ऐसे ऐसे हो जाएगा, और फिर मम्मी का पैर ऐसे 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 हो जाएगा। अगड़म बगड़म इन लोगों की लटाई है, मम्मी और मौसी की। सो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर रहे हैं। बाबू की मस्ती चल रही है, बाबू गाड़ी चला रही है, अभी अभी जस्ट आई है, नानी के यहाँ चली गई थी वो। ये देखिए जैकेट वैकेट खुल गई उनकी, देख रहे हो, अभी बंद करेंगे, फिर से बंद करो, फिर से खोलो, इनका यही चलता है। हाँ करिए। सो मैंने कहा चलो आप लोग से बात कर ले, और राधिका साड़ी, राधिका ले आओ, मम्मी वाली साड़ी पहनो, जाओ तुम वाली पहन ले, जाओ। हाँ आज राधिका बोल रही है, आज राधिका बोल रही है साड़ी पहनना है, क्यों पहना रही है, नहीं वो वाली पहनो तुम, मेहरून वाली मम्मी की, जाओ। कौन मेहरून जो वो है, एक और है ना मेहरून में, जो मम्मी को मिली वो वाली ले आओ, हम बताएं। मम्मी से चमकी बनवा दो, अब चिल्लाइए लीजिएगा। हम लोगों का हंसी मजाक चलते ही रहता है, और मैं मौसी को छेड़ती रहती हूँ, इसीलिए मैं उनसे मजाक करती हूँ, और मम्मी से नहीं करती हूँ, मौसी से ही मजाक कर लेती हूँ छेड़ना वाला। राधिका साड़ी ले, साड़ी लेने, साड़ी पहनने। गाइस ये देखिए राधिका पहनी हुई है साड़ी, सूट पर साड़ी। रिएक्शन मम्मी का हुआ ये वाला। क्या राधिका, मम्मी का रिएक्शन क्या हुआ ये वाला, कैसे? कुछ बोली नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, बताई नहीं कैसी लग रही, कैसी, बस ऊपर से नीचे तक देख ली, अच्छी लग रही जी, अब इंग्लिश कर दे रखे रिक्शा से जाओगे कि टेम्पो से, टमटम से जाओगी? ठीक है अभी बुला रही हूं, टमटम से विदा करने वाली है मम्मी राधिका को। राधिका पहन रही थी साड़ी सीखना, और पहनी हुई ग्रीन कलर की साड़ी है ना, और इनका हम करेंगे मेक ओवर जल्दी ही। कौन कौन सा मेकअप लुक आप लोग देखना चाहते हो, ब्राइडल, सिंपल, पार्टी वेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, वही वाला मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी ही, है ना। अरे तुम हमको मेकअप करने लाई हो, कौन हम बताएंगे तुमको, हमारी दादी कहाँ रहे। क्या दादी से क्या बोल रहे थे आप? अब चप्पल लाई, चूड़ी लाई, तुमको वो लाई, रबड़ लाई, और क्या लाई, हाय मम्मा के पास, ये ऊपर रखा हुआ, कहाँ रखा, मैंने कहीं रख दिया, वहाँ रखी हुई हूँ, कहाँ जाए, लेने लेने जाए। आप कह रही मेकअप क्यों नहीं लाई हो, हमको मेकअप करना है तो, हमको मेकअप करना है तो। सो गाइस आज है खिचड़ी का त्यौहार, तो हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। सबसे पहले हम सरसों का तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में, और इसको अच्छे से ही गरम कर लेंगे, फिर इसमें जीरा डालूंगी। तेल हमारा देखिए कितने अच्छे से गरम हो चुका है, और 3 प्याज और 1 मिर्ची, क्योंकि बाबू तीखा नहीं खाती है, और पहले मैंने बाबू के हिसाब से सोचा था, फिर बाद में मिर्च मसाले डाल दी हूँ, और गोभी भी मैं लगे हाथ कट कर ली हूँ, मैं पहले से कुछ भी काटती नहीं हूँ। कढ़ाइया जब चढ़ती है, जब मैंने प्याज काट ली और मिर्ची
लीजिए। और जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, जब तक हम गोभी काट लिए हैं और गोभी मटर को हमने साइड रख दिया है, और इसके बाद मैं टमाटर काट रही हूँ। तो 4 टमाटर ली हूँ क्योंकि कुकर पर खिचड़ी बननी है, ज़्यादा लोग हैं तो थोड़े थोड़े से सब खाएंगे। और ये देखिए 4 टमाटर मैं फटाफट से काट ली, और हमारे ये देखिए कितने अच्छे से प्याज भी फ्राई हो गए। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है लगी हाँ सब कुछ करने में। तो अभी हमारा जब तक टमाटर गलेगा जब तक हम आलू काट लेंगे। और सब सामान रेडी करके रखो ना, तो फिर खड़े रहो वहाँ पे बोर लगता है, और फिर किचन से हटो तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है और सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं लगे हाथ ही करती रहती हूँ, और फटाफट से 10-15 मिनट में चीज़ें बन भी जाती हैं। मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है तो आवाज़ को लेके माइंड मत लीजिएगा। और इन सभी को काट के हम चले गए बाथरूम में धुलने के लिए सब्जियों को अच्छे से। बस ये देखिए आलू भी हम फटाफट से काट ले रहे हैं जब तक हमारा टमाटर गल रहा है। और वीडियो बनाने में, ब्लॉगिंग करने में आप सोच सकती हो कितनी प्रॉब्लम होती है। और रात है जैसा मैंने आपको बताया है 9 बज रहे हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना रात चांदनी में। और तू चलिए अब बाथरूम में चलते हैं। और क्या बोलने जा रही थी यार, बहुत ठंडा पानी था, बहुत ठंडा लगता है जब आप पानी वानी से कुछ धुलते हो। तो यहाँ पर हमने पहले कैमरा फिट किया, इसके बाद हम आ गए हमारी सब्जियाँ धुलने। बस इस तरीके से हम अपनी सारी सब्जियाँ धुल लेंगे, साथ ही साथ मैं दाल रोटी भी बनाऊँगी क्योंकि जिन्हें दाल रोटी खाना है वो खाएँगे। पापा जो है ना वो दाल रोटी ही खाएंगे क्योंकि उन्हें तारी से होता है ना, किसी किसी का पेट नहीं भरता और किसी किसी का भर पेट भर जाता है। तो बस अब हम आ गए फिर से हमारे किचन में सब्जियां धुल के। यहाँ पर 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बाबू सो चुकी है तो फिर बाबू के हिसाब वाला ख़त्म हो गया, आधे में ही मैंने उसे दूध चावल खिला दिया और इसीलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी ताकि तीखा हो जाए, वरना लाल मिर्च स्किप करती और हरी मिर्च डालती। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं एवरेस्ट वाला अपना फेवरेट मसाला डाल के कुछ देर तक अच्छे से ही भूनूंगी इस तरीके से। और हमारे यहाँ खिचड़ी उठी हुई है इसलिए दाल नहीं डाल रही हूँ, दाल दूँ ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसाला हमारा भून चुका है और इसमें हम सारी सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, चावल कम। ये देखो आधा कुकर तो हमारी सब्जियाँ हैं, चावल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। जब सब्जियाँ मटर वटर भर के डालो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि तारी खाने में। और मेरा गीली खाने का मन था, इनका सूखे खाने का मन था, पापा को गीली पसंद है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि बनाओ तो बनाओ किस तरह। और अब हम नमक डाल के थोड़ी देर और पका लेंगे, भून लेंगे सारी सब्जियां डालकर। हमने अच्छे से भूंज ली थी कुछ देर, 5 मिनट 2 मिनट जैसे भी भून जाए सब्जियाँ। अभी हमारी सब्जियाँ भून चुकी हैं और इसमें हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी अच्छे से, बस 2 मिनट ज़्यादा देर नहीं। और कुछ चावल जो हमारे थाली में बच जाते हैं ये देखिए हम इनको इस तरीके से चला लेंगे और अच्छे से ही भून लेंगे। और इसके बाद चावल जो थाली में लगे हुए हैं ना उसमें पहले पानी डाल के मैं इसमें डाल दी हूँ, और अब थोड़ा सा और पानी डालूंगी और कुकर को फिट कर दूंगी तो हमारी फटाफट से तारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जिस हिसाब से जो खाना खाते हैं उन्हीं हिसाब से सबका खाना लग चुका है। चलिए अब डिनर कर लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो तब तक आप लोग भी डिनर कर लो है ना। गाइस रात के बज चुके हैं अभी 11:30, हाँ 11:30 हो चुके हैं। हमारे हेयर भी खुल चुके हैं जोड़ा, और हम ये देखिए दूध चढ़ाए हुए हैं। किचन हमारी क्लीन हो चुकी है पूरी तरीके से। तारी जो थी वो देखिए थोड़ी सी बची है जो हमने इसमें खाली कर दी है, ये देखिए। इस तरीके से चम्मच देखिए पड़ रहे हैं, तो चम्मच खाली करके मैं रख दी थी इसको। अभी हमारा बर्तन पड़ा हुआ ये देखिए, और बर्तन अभी हमें धुलना है। हमने का इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं वरना फिर भूल जाओगे, फिर ब्लॉग का एंड होना भूल जाएगा। और दही आई हुई है तो दही को हम डाल देते हैं फ्रिज में, वरना फिर खट्टी हो जाएगी बाहर, ख़राब भी होने का डर रहता है ना, तो हम इनको फ्रिज में रख देते हैं। हाँ भिगो दी हूँ, और दूध हमारा चढ़ चुका है। और ये देखिए हमने दाल भी डाली हुई है, कुछ बनेगा कल कल देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, बर्तन हमें अभी धुलना है। हमने कहा चलो पहले ब्लॉग का एंड करते हैं फिर उसके बाद अपना काम निपटाते हैं, वरना फिर रह जाते हैं ब्लॉग का एंड करने में। तो मिलते हैं जी अनिस ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।